Hello students, welcome back to my channel Learning Days. I am Renu, your teacher. So students, we have done our 2 to 5 activities in our previous video of lesson number 1 of class 7th English. Now we are going to start activity 6. Before that activity, we should revise the noun. तो चलिए हम पहले नाउन के बारे में रिवाइज कर लेते हैं. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एक्सेट्रा. ये जो नाउन है वो किसी भी पर्सन मतलब के व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस मतलब के जगह का नाम, एनिमल मतलब के किसी भी जानवर का नाम हो सकता है, और थिंग मीन्स कोई भी वस्तु या चीज़ का नाम हो सकता है. ठीक है, तो इन सभी में से किसी का भी अगर नाम हो, कोई भी किसी चीज़ का भी कोई नाम हो, तो उसे हम कहते हैं नाउन. तो लेट अस लुक एट सम सेंटेंसेस. दिव्यम इज़ अ गुड डांसर. दिव्यम एंड डांसर इसमें नाउन है. न्यूयॉर्क इज़ अ बिग सिटी. इसमें न्यूयॉर्क और सिटी जो है वो नाउन है. एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. इसमें तीन है, एनिमल्स, एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो द वर्ड्स इन बोल्ड आर नाउन्स, के जो वर्ड इसमें मोटे करके लिखे हुए थे वो सारे नाउन्स थे. दे आर द नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. ये जो सारे नाम थे ये किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर किसी चीज़ का नेम थे, जैसे कि दिव्यम और डांसर किसी पर्सन के नेम थे. ऐसे ही और दो एग्जाम्पल्स में था. तो इन दिस लेसन वी विल डिस्कस सम मोर टाइप्स ऑफ नाउन्स. इस लेसन में हम कुछ और नाउन्स की किस्मों के बारे में जानेंगे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट एंड कोलेक्टिव नाउन्स. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक, इसमें हमें भाव का, किसी के भावनाओं का पता चले. और कंक्रीट होता है पदार्थवाचक, जो सारे फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं. तो और कलेक्टिव होता है समूहवाचक, मीन्स के जो वर्ड्स किसी चीज़ों के, व्यक्तियों के या किसी के भी समूह को दर्शाता हो, उसे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे. द थिंग मैंशनड अबव मे बी कंक्रीट, के जो थिंग्स ऊपर सेंटेंसेस में दी गई थी मे बी कंक्रीट, के वो पदार्थवाचक, जैसे कि अ बैग, अ पेंसिल, अ पेन, समथिंग दैट वी कैन सी एंड टच, जिन्हें हम सी देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट, और वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं. एब्स्ट्रैक्ट में क्या आ जाता है, जो भाव होते हैं, जो हमें सिर्फ फील होते हैं, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. जैसे कि पीस, पीस हो गया शांति, ऑनेस्टी हो गया ईमानदारी, गुडनेस हो गया चंगियाई, समथिंग दैट वी कैन ओनली फील बट कैनॉट सी और टच, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते और उसे छू भी नहीं सकते. जहाँ पे हमें साइड पे 5 सेंसेस दी गई हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. स्मेल, टच, हियरिंग, टेस्ट एंड साइट. द स्मेल मतलब कि सूंघना, टच मतलब के छूना, हियरिंग मतलब सुनना, टेस्ट मतलब स्वाद लेना, और साइट मतलब देखना. ये हमारी 5 सेंसेस होती हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं. चलिए आगे देख लेते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. अब इन्होंने एक पिक्चर दी है या नीचे. इन द पिक्चर अबव द वर्ड ग्ली इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो पिक्चर के नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, द डॉग फेच्ड द बॉल विद ग्ली. तो इसमें जो ग्ली वर्ड आया है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि भाव है, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पे खुशी, उल्लास, के वो खुशी और उल्लास के साथ वो बॉल को ला रहा है. फैच मतलब होता है लाना. ठीक है, तो ग्ली क्या हो, विद ग्ली क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि खुशी को हम सिर्फ महसूस कर, उसे हम देख नहीं सकते. द डॉग, द बॉल एंड द ग्रास एंड द स्काई दैट वी कैन सी आर कंक्रीट नाउन्स. और जो बाकी इसमें आए हैं, डॉग, द बॉल, द ग्रास एंड द स्काई, ये सारे हम इन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये सारे हो गए कंक्रीट नाउन्स. ठीक, तो इसके और एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं. पीपल, पीपल में जैसे मैन, वुमन, डेंटिस्ट, टीचर, ये आ जाएंगे. एनिमल, एनिमल्स में कैट, डॉग, बर्ड्स, ईगल एक्सेट्रा सारे आ जाएंगे. और ऑब्जेक्ट्स में बुक, पेंसिल, पेन, ब्लैंकेट एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे. और प्लेसेस में
एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स में क्या आ जाएगा, माउंटेन, वैलीज, पंजाब, इंडिया, ये सारे नेम्स आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउंस की भी एग्जांपल दी गई है नीचे। फर्स्ट है क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के, इसमें क्वालिटीज़ मतलब गुण और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, गुण और विशेषताएं आ जाएंगी, जैसे कि ब्यूटी, काइंडनेस, विजडम। ब्यूटी हो गया सुंदरता, काइंडनेस हो गया दयालुता, और विजडम हो गया समझदारी। ठीक है, तो सेकंड में इमोशंस एंड स्टेट ऑफ माइंड आ जाएगा। इमोशंस मतलब भावनाएं, एंड स्टेट ऑफ माइंड मतलब मन की स्थिति, किसी के मन की स्थिति कैसी है वो उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे कि लव, हैप्पीनेस, एंगर। लव हो गया प्यार, हैप्पीनेस हो गया खुशी, एंगर हो गया गुस्सा, है ना, ऐसे आ जाएंगे। तो थर्ड में आए कंसेप्ट्स एंड आइडियाज, इसमें आएगा जस्टिस, फ्रीडम, ट्रुथ। तो कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ का मतलब होता है विचार, धारणाएं, मनोभाव, जो भी है ना, सिद्धांत हो गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं। जस्टिस मीनिंग हो गया न्याय, फ्रीडम हो गया आज़ादी, ट्रुथ हो गया सच्चाई, मतलब ऐसे जो हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। इवेंट्स मतलब कार्यक्रम, कार्यक्रम जब कोई घटना या प्रतियोगिता, है ना, ये से बोलते हैं इवेंट्स। एंड प्रोसेसेस मतलब कि जो भी कार्य होते हैं, है ना, किसी तरह। तो इनमें आ जाएगा प्रोग्रेस, फ्राइडे, दिवाली, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हमें कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताया गया है। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स और थिंग्स। के जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, कि जब लोगों का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो, या फिर किसी भी चीज़ का ग्रुप हो। ग्रुप मतलब इकट्ठा, इकट्ठा करना किसी चीज़ों को, इकट्ठा, इकट्ठ बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये नीचे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे बंच, बेबी, क्लास, कमिटी, लिटर, ये सारे वर्ड्स हम ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बंच का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। बेबी होता है झुंड, झुंड मतलब जैसे यहाँ पे स्वैन है ना, बेबी ऑफ स्वैन्स। और आगे जैसे दिया गया क्लास, कमेटी, इनका मतलब होता है किसी तरह की सभा, सभा लोगों की, है ना। तो आगे लिटर, लिटर होता है जब एक जानवर के बहुत सारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके उनके इकट्ठ को हम बोलते हैं लिटर, जैसे कि अ लिटर ऑफ किटन्स, यहाँ पे एग्जांपल है। तो नेक्स्ट है अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन इज कॉल्ड नाउन ऑफ असेंबली। कि एक एक पर्टिकुलर टाइप के कलेक्टिव नाउन होते हैं जिन्हें हम नाउन ऑफ असेंबली बोलते हैं। नाउन ऑफ असेंबली मीन्स जब लोगों का इकट्ठ होता है। ठीक है, दीज आर फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स सच एज। तो ये फ्रेजेस होती हैं जिन्हें जो के किसी एनिमल्स, जानवर या पशु पशु पक्षियों के ग्रुप को, इकट्ठ को दर्शाती हैं, है ना। जैसे फर्स्ट है प्राइड ऑफ लायंस, के जो लायंस का इकट्ठ होता है उसे हम प्राइड बोलते हैं, प्राइड ऑफ लायंस। मर्डर ऑफ क्रोज, क्रोज के कट को मर्डर ऑफ क्रोज बोलते हैं। बट समटाइम्स पीपल ऑल्सो मेड अप फनी और क्लेवर न्यूज सच वंस। कई बार लोग क्या होते हैं कि बहुत ही फनी और चलाक से कुछ न्यू फ्रेजेस बना लेते हैं, जैसे कि अब ब्लिस्टर ऑफ शूज़, ब्लिस्टर मतलब कि छाला पड़ना, कि शूज़ के साथ, नए शूज़ के साथ जो छाला पड़ता है उसके लिए ये लोग न्यू यूज़ कर देते हैं, कि कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आना, अब ब्लिस्टर ऑफ शूज़। अ फॉरेस्ट ऑफ बुक्स, किताबों का जंगल। तो चलिए अब एक्टिविटी सिक्स कर लेते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड अंडरलाइन द कंक्रीट नाउन्स एंड एनसर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कि नीचे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है, एंड जो कंक्रीट नाउन्स होंगे उन्हें अंडरलाइन करना है, एंड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे उन्हें सर्कल करना है। कंक्रीट मतलब जो पदार्थ से रिलेटेड होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब भावनाएं, फीलिंग्स से रिलेटेड होते हैं जो। ठीक है, तो फर्स्ट है आई फेल्ट पेन व्हेन द सर्जन पुट स्टिचेस ऑन माय आर्म। तो इसमें जो पेन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और सर्जन और स्टिचेस एंड आर्म ये सारे हैं जो कंक्रीट नाउन्स हैं। ठीक है, तो सेकंड है आई फेल इन लव विद दैट लिटिल पप्पी। तो इसमें जो लव है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड लिटिल पप्पी ये एक कंक्रीट नाउन है, तो इसे हम
अंडरलाइन करेंगे, और जो लव है उसे सर्कल करेंगे, ठीक है। थर्ड है, आफ्टर लंच सीमा वेंट टू द मार्केट, तो लंच क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और सीमा एंड मार्केट जो है वो हो गए कंक्रीट नाउन्स, तो हम इन्हें अंडरलाइन करेंगे। माई मॉम विल पिक मी अप फ्रॉम स्कूल एवरी वीक, इसमें माई मॉम जो है वो कंक्रीट नाउन आ गया, और स्कूल है वो भी कंक्रीट नाउन आएगा, और जो वीक है वो आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है द किटन जम्प्ड अपॉन द टेबल एंड एट द केक, जो किटन कंक्रीट नाउन, टेबल कंक्रीट नाउन, केक भी कंक्रीट नाउन। सानियाज चाइल्डहुड वाज पेनफुल, सानिया कंक्रीट नाउन, चाइल्डहुड एंड पेनफुल दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। आई हैव फुल ट्रस्ट इन माई मेड, ट्रस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मेड कंक्रीट नाउन। शी इज़ प्लांटिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, प्लांटिंग क्या होता है, ये हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्लावर्स फ्लावर्स एंड गार्डन आर कंक्रीट नाउन्स। दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गर्ल कंक्रीट नाउन। अ डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल, डॉग एंड एनिमल आर कंक्रीट नाउन्स, लॉयल इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 7, गिवन बिलो आर टू बॉक्सेस, के नीचे दो बॉक्सेस दिए गए हैं। मैच द वर्ड्स इन बॉक्स 1 विद देयर कलेक्टिव नाउन्स इन बॉक्स 2, कि बॉक्स 1 कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और बॉक्स 2 में कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, हमें इन दोनों को मैच करना है, जिस वर्ड्स के साथ कौन सा कलेक्टिव नाउन लगेगा। द टीचर कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इन टू अ ग्रुप गेम बाई कटिंग आउट द वर्ड लेबल्स इन बोथ द बॉक्सेज एंड आस्किंग द स्टूडेंट्स टू मैच डैम, तो टीचर है वो एक गेम की तरह भी से खेल सकती है इसके लेबल काट कर। तो चलिए हम करते हैं, एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स, अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, अ कलोनी ऑफ रैबिट्स, अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ फ्लीट ऑफ शीप्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ हर्ड ऑफ कैटल्स, अ लॉन्च ऑफ लिजर्ड्स, अ पैक ऑफ वॉल्स, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ लिटर ऑफ पप्पीज, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ स्कूल ऑफ फिश, अ प्राइड ऑफ लायंस। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्टिविटी 6 एंड 7, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।